हेलो गाइस, सो अभी मॉर्निंग के अराउंड 10 हो रहे होंगे और मैं इतनी जल्दी में तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज तीज है और मैं तीज की पूजा वगैरह करने जा रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने नहा लिया है और थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि रेडी होकर पूजा करो ना तो कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है जब घर में त्यौहार वगैरह होता है। तो बस अब पहले पूजा कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे। तो पहले मैं अपनी रूटीन वाली पूजा कर लूँगी, जैसे अब बर्तन वगैरह ये सब साफ़ कर देना और भगवान जी को नहला देना। थोड़ी सी पूजा घर की क्लीनिंग भी करती हूँ मैं डेली में। तो वो सब करने के बाद मैं भगवान जी को एक अच्छे न्यू कपड़े पहना दूँगी आज, क्योंकि वही है, श्री श्याम की पूजा है। तो मैं मॉर्निंग में अभी कपड़े इनके चेंज कर दे रही हूँ। तीज वाली स्पेशल जो पूजा होती है वो तो इवनिंग में ही होगी। अभी बस मैं भगवान जी को थोड़ा भोग लगा दूंगी और उनकी आरती कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, एक्चुअली आज एक अच्छी चीज़ और हो गई कि अमित ने क्या किया था, हमारे गाड़ी के लिए छोटे से गणपति जी ऑर्डर किए थे तो वो भी आज ही डिलीवर हो गए। अच्छा हुआ कि आज डिलीवर हो गए। तो वही अमित उनको लेके आए, उन्होंने कहा कि आज अभी इनकी भी पूजा कर दो तो मैं इनको उसके बाद गाड़ी में शिफ्ट कर दूंगा। तो अभी वही मैंने गणपति से थोड़ी सी बातें बातें करी, तो वही मैं गणपति जी को भी बता रही हूँ कि आप गणेश चतुर्थी से पहले ही हमारे घर में आ गए, बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। फिर मैंने इनकी पूजा करी और नेक्स्ट डे फिर गणेश चतुर्थी में भी मैंने पूजा करी, थोड़ा भोग वोग चढ़ा दिया था। देन फिर गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे अमित ने इनको गाड़ी में विराजमान कर दिया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति एंड यू आर वाचिंग दैट जोन। तो अभी मैं यहाँ पे ये नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। यार, ये नेल पेंट लगाने वाला काम ना बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसको लगा के 15 मिनट बैठना पड़ता है, नहीं तो पूरी नेल पेंट खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा लाओ अभी दोपहर का टाइम है, ये कर लेते हैं। बाकी मॉर्निंग में मेरी पूजा हो गई थी और पूजा करके मैंने ये प्लाजो सेट डाल लिया था। इसकी स्लीव देखो कितनी प्यारी सी है। तो ये प्लाजो सेट जो मैंने कुर्ता है एंड प्लाजो है, ये मैंने मिंत्रा से बाय किया था। और अगर आप लोगों को देखना हो, क्योंकि मैंने पूरा हॉल किया था मिंत्रा के कुर्ता एंड प्लाजो सेट का, तो वो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा आपकी तीज कैसे सेलिब्रेट हो रही है। मेरी तो बस यही सजने संवरने में ही सेलिब्रेट हो रही है। और अभी मुझे इस हाथ में मेहंदी भी लगानी है क्योंकि इसमें मैंने मेहंदी लगाई नहीं है। तो अभी मैं यहाँ अपना पिटारा खोल के बैठी हुई हूँ, मैं मेहंदी वेहंदी भी लगाऊंगी। बाकी आज मैंने तीज की लीव ले ली है तो अच्छा ही है, पूरा दिन आराम आराम से अपने काम निपटा रही हूँ। वरना यार टेंशन हो जाती है, एक तरफ ऑफिस का काम, एक तरफ तीज की तैयारी, मतलब थोड़ा इंजॉय नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा लाओ आज लीव ले ही लेती हूँ, बट हस्बैंड ने अभी लीव ली नहीं है तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर ना उनकी कॉल्स चल रही हैं। लंच उनका हो चुका है तो उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ। इसके बाद पूजा तो हमारी शाम की ही होती है तो शाम को पूजा करेंगे तैयारी करने के बाद। और एक तरफ मैंने प्रसाद भी चढ़ाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। प्रसाद में चढ़ा दिया है तो धीरे धीरे पक रहा है। ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाऊंगी। आप लोग बताइएगा ये वाली मेहंदी मेरी कैसी लगी आपको। मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसे वाली मेहंदी ट्राई करी, वरना खुद से जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो बस ये बीच में सर्किल लगा लेती हूँ और थोड़ा बहुत फिंगर्स में। इस बार मुझे लगा लाओ यार थोड़ा बहुत ये सब ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा ट्राई किया है। ऐसे मैं कभी मेहंदी लगाती नहीं हूँ बट ये है कि हाँ फेस्टिवल वगैरह में शगुन के तौर पर अपने आप से लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत। 16 श्रृंगार जारी है हमारा। अच्छी लग रही है ना। अब बस फिंगर्स में लगाऊंगी मैं, टाइम हो जाएगा। अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को अपना जो प्रसाद बना रही हूँ वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बस दूध को मैं गाढ़ा कर रही हूँ और ऐसे साइड साइड से घुमा के निकालते चले जाना होता है, नहीं तो साइड से बर्तन जलने लगता है। देन फिर जब ये बन गया था तो कभी भी अगर जैसे मिठाई वगैरह किसी पैन में निकालना हो तो पैन नीचे घी लगा लेना चाहिए, नहीं तो वो उसमें चिपक जाती है। तो वही मैंने इसको ग्रीस कर लिया एंड देन इसको निकाल के, थोड़ा सा ही बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ प्रसाद के लिए बनाया था। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में डाल दिया था जमने के लिए ताकि ये पूजा तक तैयार हो जाए। तो गैस प्रसाद बन चुका है, उसको मैंने फ्रीजर में रख दिया है जल्दी से वो थोड़ा सा जम जाए, उसके बाद उसके पीसेस करने। वैसे मैंने कलाकंद बनाया है, मैं आप लोगों को बता दूं मैंने कलाकंद बनाया है। और ये आज साड़ी है, लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही कॉटन की साड़ी है, तो ये आज मैं पहनने जा रही हूँ। साथ में अभी मैं अपना पिटारा खोल के बैठी हूँ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सेट करूंगी
और देखते हैं चूड़ियाँ सेट करने के बाद कैसी बनती है। और पायल मैंने ये निकाल ली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी पायल दिखाती हूँ। तो ये है मेरी पायल, आज मैं फर्स्ट टाइम ये पायल पहनने जा रही हूँ शादी के बाद। एक्चुअली मेरे पास दो पायल हैं, एक पतली वाली पायल भी है और एक ये वाली जो शादी में चढ़ती है ना वो वाली पायल है। तो ये मैंने खुद अमित के साथ जाके पसंद करके ली थी, आज फर्स्ट टाइम इसको पहनने का मौका आ रहा है क्योंकि ये ना होम टाउन में ही रखी थी। इस बार मैं लेके आई थी कि मैं कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो उसमें, जनरली तो देखो हम लोग पायल पहनते नहीं है, मैं नहीं पहनती मतलब पायल, तो ऐसे फेस्टिवल में मन करता है ना कुछ नया नया। कितनी चमक रही है यार देखो। और वैसे होता है ना कि जो शादी के टाइम पे चढ़ती है वो बहुत भारी भारी पायल चढ़ती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था नोएडा में, फिर जाके मुझे एक ये मिली थी जो मुझे लगा था कि सबसे हल्की वाली पायल है और इसकी डिज़ाइन भी अच्छी है, तो ये मैंने अमित के साथ परचेज करी थी। जल्दी से चूड़ियाँ भी सेट कर लेती हूँ मैं, और आप लोग सोच रहे होगे ना कि मेरी बिछिया कितनी काली सी है। एक्चुअली क्या है कि दो दिन पहले ही मेरी बिछिया ना टूट गई थी, जो मैं डेली यूज़ में बहुत ही लाइट वाली बिछिया पहनती हूँ तो वो टूट गई थी, तो अब मैंने बिछिया डाली नहीं हुई थी, फिर मैंने अंदर से बिछिया निकाली जो मेरी रखी हुई शादी वाली बिछिया हैं, तो वो रखे रखे काली हो जाती हैं तो काली हो गई थी। अच्छा रुको मैं आपको ना एक बिछिया का इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ कि मेरे यहाँ बिछिया का ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब मैं सिंधी हूँ ना तो सिंधियों में बिछिया का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप को बिछिया डालनी ही डालनी है। तो जैसे ही मैं शादी करके आई, अभी अराउंड सेकेंड डे ही था या फर्स्ट डे ही था आई थिंक, तो वो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी और मुझे ना बिछिया बहुत गड़ रही थी एक्चुअली, और मम्मी ने जो बिछिया दी थी एक्चुअली वो ऐसी बिछिया थी कि थोड़ी सी मोटी, अभी भी आप देखिए वही बिछिया मैंने पहनी है, मोटी है, मतलब ये सोच के नहीं दी थी कि ये डेली यूज में कैसे पहनेगी इसको। मम्मी को भी लगा पहनना तो है नहीं, ठीक है थोड़ा अच्छा करके ले लेते हैं। अब वो मुझे बहुत ज़्यादा गड़ रही थी, मोटी सी थी, हैवी सी लग रही थी, वैसे ही शादी के बाद फर्स्ट टाइम पूरा इतना सारा ज्वेलरी एंड साड़ी वाड़ी पहनो तो हो जाता है। तो क्या वो मैंने बिछिया उतार दी, और बिछिया पूरी बिछिया उतार दी मैंने, अंदर बैठी हुई थी रूम में, बैठे बैठे मैंने सारी बिछियाएँ उतार दी और फिर मैं पूजा में चली गई, सत्यनारायण की पूजा हुई तो वहाँ पर जाके बैठ गई। अब पूजा पूरी निपट गई बिना बिछिया के, फिर किसी ने देखा होगा कि इसके पैर में बिछिया नहीं है, और फिर मैं वापस जब अंदर रूम में गई तो किसी ने अमित को अंदर भेजा कि जाओ उसको बोलो बिछिया पहने। तब मुझे पता चला था यार कि बिछिया का मतलब ऐसा हार्ड एंड फर्स्ट रूल है कि बिछिया पहननी ही पहननी है, एटलीस्ट पूजा में तो मैं पहनती हूँ, अब बाकी तो वैसे भी पहनती हूँ, अब थोड़ी सी हैबिट हो गई है, वो जो पतली वाली बिछिया होती है उसको पहनती हूँ। आगे बीच में मेरा येलो है ना साड़ी में और रेड भी है, तो आगे पीछे ये रेड रेड डाल लेती हूँ, काफ़ी है ना सेट। तो मेरी चूड़ियाँ भी सेट हो गई हैं और नेल पेंट लगा के मैंने चूड़ियाँ सेट करी हैं ताकि मेरी नेल पेंट सूख जाए। अब मैं पहले पूजा की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। देखो अंधेरा हो गया पूरा। एक्चुअली हुआ क्या था कि मॉर्निंग में हम लोग कहीं चले गए थे थोड़े टाइम के लिए, तो वो दो तीन घंटे के लिए कहीं निकल जाओ ना तो पूरा लेट होता चलता है, जल्दी से पूजा की तैयारी करनी है। तैयारी मीन्स क्या, वही जितना भी आपका चढ़ावा चढ़ना है वो मैं एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर ले रही हूँ, नहीं तो बाद में फिर बीच बीच में उठने वाली दिक्कत हो जाती है। और जितना भी श्रृंगार का सामान गौरी मैया पे चढ़ना है वो भी मैं बहुत पहले ही ले आई थी, तो सब कुछ यहाँ पे मैं रख ले रही हूँ, और जो भी दिया बाती है वो मैं अभी वॉश करके रख लूँगी। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी साड़ी पहनी और यहाँ पे मेकअप करने के लिए आ गई, क्योंकि भाई ये लेट हो चुका है एक तो, और पूजा का टाइम वैसे नॉर्मली 7 o'clock पे मैं पूजा कर लेती थी हर साल, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, 8 बज गए थे। तो अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया और यहाँ पे ये मैं चूड़ियाँ डाल ले रही हूँ। अभी क्या हुआ था ना कि इस वाली साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना वो मुझे टाइट हो गया था, तो मैंने एक क्रॉप टॉप जो था वो डाल लिया था इसके साथ। यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करूँगी, बहुत ही कम मेकअप करूँगी मैं, रीज़न वही है एक तो टाइम भी नहीं, ऊपर से घर पर ही पूजा करनी है, कहीं जाना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके भी क्या करना। प्राइमर के बाद मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, लैक्मे की एब्सोल्यूट प्राइम फाउंडेशन लगा रही हूँ, प्राइमर भी मेरा लैक्मे का ही था।
बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, बिल्कुल भी आई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, आई शेडो वगैरह सिर्फ एक काजल कोशिश करूँगी कि लगा लूँगी मैं यहाँ पे। अभी देखो बस हो गया मेरा फेस रेडी, लिपस्टिक लगाई और फिर बस ऐसा लगने लगता है कि तैयार हो गए लिपस्टिक लगा के। देखो क्या अच्छा सा लुक आ गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि एवरी ईयर मैं 7 o'clock तक एटलीस्ट पूजा करने बैठ जाती हूँ, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, 7:30 हो गए थे और अभी तक मैंने पूजा स्टार्ट भी नहीं करी थी। क्योंकि क्या होता है कि पूजा के बाद जब मम्मी को फ़ोन करूँगी, आशीर्वाद लूँगी, तो मम्मी बोलेंगी अब देखो इसने पूजा करी है। बट हुआ क्या, एक अच्छी बात ये हो गई कि पूजा के बाद जब मैंने फ़ोन करी मम्मी के पास, तो पता चला कि मम्मी ने तो अभी पूजा की नहीं, तो मुझे लगा वाह यार चलो मैंने पहले पूजा कर ली। फिर वही मम्मी ने कहा कि भाई मैं तो पूजा 9 बजे के बाद ही करती हूँ। चलो कोई नहीं, चलो यहाँ पे मैं जो काजल लगा रही हूँ वो भी अगेन लैक्मे का ही लगा रही हूँ, आइकॉनिक काजल ब्राउन शेड का, देखा होगा आपने मेरे मेकअप वीडियोस में, यही काजल मैं हमेशा लगाती हूँ मेरी आईज़ को कुछ अच्छा लुक देने के लिए। सो नाउ द टर्न ऑफ द एसेसरीज, तो यहाँ पे मैंने झुमकी भी डाल ली है जो कि अगेन मैचिंग है, रेड कलर की झुमकी है ये, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये झुमकी। नॉर्मली मैं जो ट्रेडिशनल वियर है उसमें यही झुमकी लगाती हूँ, फिर मुझे याद आया कि मैं मांग टीका भी लगा सकती हूँ, इससे मेरा फेस बिल्कुल भरा भरा सा लगेगा अच्छा सा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मांग टीके थे जिसमें से एक मैंने जो मुझे लग रहा था कि हाँ सूट कर रहा है उसको मैंने सेलेक्ट किया और जल्दी से फिर से बाल खोल के एंड देन वापस से उसे सही किया बालों को। और नाउ अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब यहाँ पे अमित आएंगे और अमित ने मुझे कहा कि मैं ना जिम जा रहा हूँ क्योंकि सुबह से उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी, तो वही मैं उनके ऊपर चिल्ला रही हूँ थोड़ा सा। क्या लग रही है, जादू करनी है? क्यों जो नहीं और टेराकोट रीडर क्यों, क्या किया मैंने ऐसा, मतलब मुझे एकदम से लगा कि टेराकोट रीडर कोई आ गया क्या, अभी रखते हैं स्लीव्स की वजह से ऐसा लग रहा है, पत्ते बिछाएगा हमारा भविष्य ये है, मतलब कोई भी अगर मतलब मेकअप वेकअप किया हुआ हो तो वो टैरो कार्ड रीडर हो गया है ना। हाँ इनकी तो बस सुनती रहो, सुनते ही रहो। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ और ये जो कलश रखा जाता है चावल के ऊपर अष्टदल बना के, जो भी होता है अष्टदल बोला जाता है, जो भी बोला जाता है, वो मैंने बना के कलश रख दिया और फिर उसके ऊपर मैंने ये चावल का पात्र रख दिया था, जैसा कि मैंने उसमें वीडियो में देखा था कि इस तरीके से किया जाता है। और पूरी यहाँ पे दिया वगैरह लगा रही हूँ और फिर यहाँ पे भगवान जी को मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। मुझे ऐसे सारा विधि विधान से पूजा करते हुए देख के अमित ने मुझे कहा कि इस बार तुम मम्मी मेरी मम्मी की तरह पूजा कर रही हो, तो मैंने कहा आप पंडितों की बहू बनी हो तो थोड़ा सा सीखूँगी इस तरीके से पूजा करना। वैसे सही भी है, चलो पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा विधि विधान से पूजा करनी भी चाहिए। अभी मैं गौरी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, चढ़ता है ये हम मतलब हमारे उधर नहीं चढ़ता था, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि हमेशा गौरी मैया को श्रृंगार का सामान या माता रानी को चढ़ता है, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद दिया लगा लेंगे, दिया लगाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा धूप बत्ती को सही कर रही हूँ और साथ में अमित से कुछ बातें भी करती चली जा रही हूँ। एक्चुअली वो ना वहाँ बगल में खड़े होके कुछ कर रहे थे, तो मेरे से कुछ 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 पूछ रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि यार मुझे से बात मत करो, मुझे पूजा कर लेने दो वरना मैं कुछ ना कुछ जरूर भूल जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने भगवान जी को तिलक वगैरह लगाया। उसके बाद मैं मुझे याद आया कि अरे मैंने गणेश बनाया जाता है जैसे थाली में या फिर कलश जो आप रखते हैं उस पर गणेश बनाया जाता है, तो वो मैंने नहीं बनाया, फिर मैंने वो भी बनाया। अच्छा लगा मुझे कि इस बार मैंने विधि विधान से पूजा करी, जितना कर पाई जितना कर सकते हैं उतना ही काफ़ी है, बाकी तो दिल से पूजा कर लो वही बहुत अच्छी बात होती है। तो बस इसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी और कथा पढ़ने के बाद आरती होगी और फिर हमारी पूजा कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। मान्यता है हरतालिका व्रत कथा स्वयं शिव भगवान शिव ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने
मुझे पाने के लिए कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने इस तपस्या के दौरान न तो कुछ खाया और न ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाक रही। मैं और इस तरह भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह संपन्न हुआ। बोल भोलेनाथ भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। जय शिव ओंकार, प्रभु जय शिव ओंकार। हे गाइस, मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है, तो अब बस मैं फलहार करूंगी, क्योंकि मैं रात में फलहार करती हूँ। मेरी लिपस्टिक थोड़ी फैल के नाक पे लग गई है। हाँ, तो मैं तो एक्चुअली नाइट में फलहार करती हूँ। और ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए। ये प्रसाद मैंने बनाया था और पूरी तरीके से एक्चुअली पीसेस जम नहीं पाए हैं कलाकंद के, क्योंकि बहुत जल्दी में मुझे निकालना पड़ा, मैंने लेट बनाया था। सो यस, मेरा ये तीज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को ये ब्लॉग मिल जाएगा एक और दो दिन में। बताइएगा आप लोगों को मेरा ये फुल डे कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।